गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओपन इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये स्टेप है, टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन ओपन ऑफिस इम्प्रेस फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, जैसे आप अपना राइटर ओपन करते हैं ना, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है इसको भी ओपन करने का। जैसे कि जहाँ पे आपका राइटर ये देखिए ओपन ऑफिस राइटर लिखा हुआ है ना, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, ये आपका ओपन ऑफिस राइटर है, तो ठीक उसके ऊपर ओपन ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है, तो आप वहाँ से उसको ओपन करेगा। देन देखिए एम्प्टी प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके बाद एम्प्टी प्रेजेंटेशन आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन स्टेप फोर में देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन विजार्ड ओपन हो जाता है, सिलेक्ट अ स्लाइड डिज़ाइन कि आपको किस तरह का स्लाइड चाहिए, कि बिल्कुल ब्लैंक चाहिए या फिर उसमें थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइनिंग हो। ठीक है, स्लाइड में डिज़ाइनिंग हो, ये हम आगे और भी वीडियोस में बताएंगे कि कौन कौन से हम डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी स्लाइड डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स दे रखी हैं कि जो स्लाइड का बैकग्राउंड है, पीछे जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से दिखाई दे। ठीक है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या बताता है, बैकग्राउंड बताता है कि जो स्लाइड का कैसा डिज़ाइन हो और उसका कलर क्या हो। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रखा है, प्रीव्यू बटन ऑप्शन आपको दे रखा है। प्रीव्यू का क्या मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे स्लाइड डिज़ाइन सिलेक्ट करोगे वो साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखाएगा कि वो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, देन एंड उसको क्या कहती है, हाउ मैनी बैकग्राउंड्स ऑप्शंस आर अवेलेबल, कि इसमें बैकग्राउंड ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पे कितने बैकग्राउंड ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बैकग्राउंड कितने हैं। ठीक है, इसमें कितने बैकग्राउंड्स हैं, देखो कहाँ से कहाँ पे पता चलेगा आपको, इधर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्लिक द नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। देन स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन के ऊपर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, कि ट्रांजिशन कैसे लगाई जाती है और कैसे हम स्लाइड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद ट्रांजिशन अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। यहाँ से आपने सिलेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन, यहाँ पे आपको पहले भी आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखिए इफेक्ट एंड स्पीड, इफेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्ट्स आएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा है राइट एंड साइड पे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में कि किस तरह से अपीयर हो, कि ठीक है कि कई बार कि डिम हो के कोई चीज़ सामने अपीयर होती है, कभी कोई लेफ्ट साइड से कोई टेक्स्ट अपीयर हो रहा है ना। यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन मतलब स्लाइड के ऊपर कौन सा इफेक्ट लगेगा, जो स्लाइड के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हम जो चीज़ें लिखते हैं ना वो एनिमेशन होती है। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इसमें मूवमेंट्स होती हैं, इसमें प्रीडिफाइंड मतलब इनबिल्ट इफेक्ट्स होते हैं जो हम इसमें चूज़ करते हैं अपने स्लाइड के ऊपर लगाने के लिए, इफेक्ट देने के लिए। सिर्फ स्लाइड ट्रांजिशन सिर्फ स्लाइड के ऊपर ही इफेक्ट देती है। और यहाँ पे स्पीड दे रखी है, स्पीड आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, स्लो, वेरी स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, देन आप क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आर्या दिस डायलॉग बॉक्स इज ऑफ ट्रांजिशन, तो वो आर्या उनको बताता है कि ये जो डायलॉग बॉक्स हमने देखा ये ट्रांजिशंस है। ठीक है, तो आंट कहती है डू यू नो व्हाट इज ट्रांजिशन। ठीक है, तो आंट, आई थिंक ट्रांजिशन इज अ कन्वर्जन ऑफ अ थिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द रोल ऑफ ट्रांजिशन इन प्रेजेंटेशन, कि ट्रांजिशन का उसके आंटी के हिसाब से कि ट्रांजिशन क्या है, कि एक चीज़ को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वो सभी हंसने लग जाते हैं जो फाइव जर्म्स होते हैं आंटी के ऊपर। तो उसमें से जो बसंती है एक लड़की, वो एक्सप्लेन करती है ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिशन इज़ एन एनिमेशन इफेक्ट, कि एक एनिमेशन इफेक्ट है जिसमें कुछ मूवमेंट होती है, स्लाइड की मूवमेंट होती है, वो ट्रांजिशन, बट उनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ये देखिए डू यू नो स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि स्लाइड के ऊपर कोई इफेक्ट देना विद स्पीड। हाउ अ स्लाइड अपीयर ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, वो ट्रांजिशन होती है, कुछ एनिमेशन इफेक्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि जब प्रेजेंटेशन को स्क्रीन के ऊपर हम रन करते हैं तो हमारी स्लाइड किस तरह से शो हो। ठीक है,
तो वो क्या होती है? ट्रांजिशन। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। ट्रांजिशन के ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो प्रैक्टिकल वीडियो होगी ट्रांजिशन के ऊपर एंड हाउ टू क्रिएट अ स्लाइड, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।